रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमंता बिस्वा सरमा की हुंकार, हिंदू रहेगा तभी झारखंड रहेगा। हिमंता शर्मा ने बड़ा बयान दिया है, हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू रहेगा तभी झारखंड रहेगा, विधायक बने या ना बने झारखंड बना रहे। हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि हिंदू रहेगा तभी झारखंड रहेगा, सरकार बने या ना बने हिंदू रहेगा और झारखंड बना रहे, विधायक बने या ना बने झारखंड बना रहे। बड़ा बयान हिमंता बिस्वा सरमा का, उन्होंने कहा कि हिंदू रहेगा तभी झारखंड रहेगा। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हिमंता बिस्वा सरमा झारखंड दौरे पर है, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। फिलहाल नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और इस कड़ी में हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि हिंदू सभ्यता रहेगा तो कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सुनाओ किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ घुसपैठी को लात मार के भगाने का ये सुनाओ है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा। तो सुना आपने हिमंता बिस्वा सरमा ने क्या कहा, अगर हिंदू रहेगा तभी झारखंड रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने हुंकार भरा, कहा कि हिंदू रहेगा तब भी झारखंड रहेगा, विधायक बने या ना बने झारखंड बना रहे। तो हिमंता बिस्वा सरमा ने हुंकार भरा है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय लाल, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हिंदू रहेगा तो ही झारखंड रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हिंदुत्व को लेकर के लगातार हिमंता बिस्वा सरमा आवाज उठाते रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के लगातार हिमंता बिस्वा सरमा आवाज उठाते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए निशु, हिमंता बिस्वा सरमा ने जो कुछ कहा है जी, जो कुछ उनका बयान आया है, वो भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेंथ रहा है जी। राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद, और कई मौके पर हमने हिमंता बिस्वा सरमा को कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को कवर किया है। साफ शब्दों में ऐसे बातों का जिक्र होता है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने जी अपनी एक सभा में ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कहा था, हालांकि एक्स आजकल बोला जाता है, कि एकजुट नहीं रहोगे तो कटोगे जी, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके बारे में, इशारा संकेत साफ है कि बटे आप तो कटने के लिए तैयार रहिए। ये हिमंता बिस्वा सरमा के पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं, इशारा साफ है, संकेत साफ है। आप झारखंड की ही बात कर लें, हिमंता बिस्वा सरमा ने जो कुछ कहा वो अचानक से उनको सपना आया हो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें यह महसूस हुआ होगा, कहीं ना कहीं उन्हें यह लगा होगा कि ये चीजें अब धीरे धीरे करके एक ऐसा, पहले फुंसी फिर घाव फिर जख्म, ऐसी चीजें होती जा रही है। आप पाकुड़ के इलाके में चले जाएं जी, आप क्या यकीन करेंगी, क्या कोई यकीन करेगा कि पाकुड़ साहेबगंज के इलाके में हिंदू परिवारों को सुरक्षा कौन दे रहा है? सीआरपीएफ के जवान। क्या ये कल्पना किसी ने झारखंड के लिए किया था? क्या कभी ने सोचा था? दो दिन पहले विश्रामपुर में जो कुछ हुआ दुर्गा पूजा के दौरान जी, दुर्गा पूजा की के दौरान जो माता दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए कहा गया किस इलाके से नहीं जाएगा, गढ़वा में बीच बीच में जो कुछ होता रहा है झारखंड की जनता जानती है। लोहरदगा कैसा इलाका है जहां पर किस्तों में ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं। मैं उन तमाम
लोगों को भी सैल्यूट करूंगा जो शांति प्रिय हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं इस जमात में जो कि शांति नहीं चाहता। हिमंता बिश्व शर्मा को लोकसभा में यदि किसी ने सुना होगा जी, चुनाव के दौरान वो कई बार झारखंड आए, चुनाव प्रचार किया, यदि उनके भाषण को किसी ने सुना होगा, वो किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं बोलते। उन्होंने एक सभा में कहा था कि असम के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पास एक फाइल आई थी, उसमें मदरसों को अनुदान देने की बात कही गई। हिमंता बिश्व शर्मा संस्मरण सुना रहे थे, हमने कहा कि मदरसों को मैं अनुदान नहीं दूंगा। अधिकारी ने कहा कि सर पिछले कई सालों से होता रहा है, मदरसा को अनुदान जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। अधिकारी ने सवाल पूछा कि क्यों। हिमंता बिश्व शर्मा ने बतौर असम के मुख्यमंत्री कहा कि क्या ऐसे मदरसे जहां पर अनुदान जाता है, क्या कोई डॉक्टर बना यहां से पढ़कर? अधिकारी ने कहा कि नहीं सर। क्या कोई इंजीनियर बना? अधिकारी ने कहा कि नहीं सर। क्या कोई शिक्षक बना? अधिकारी ने कहा कि नहीं सर। तो फिर हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने अधिकारी से पूछा कि आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि यदि मदरसे से कोई डॉक्टर नहीं बना पढ़ के, यदि मदरसा में पढ़ाई करके कोई इंजीनियर नहीं बना, यदि कोई मदरसा में पढ़ाई करके कोई अच्छा शिक्षक नहीं बना, कोई प्रोफेसर नहीं बना, किसी ने नेट क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या पैसा दिया जाना चाहिए? अधिकारी ने कहा कि सर फाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं समझ गया हूं। और राज्य के असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इसके बाद यदि कोई सवाल है तो बताइए। अधिकारी ने कहा कि सर आपका निर्णय सही है, आपका फैसला सही है, यदि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे, आखिर क्यों मुस्लिम के बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे, आखिर क्यों मुस्लिम के बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे? हिमंता बिश्व शर्मा ने यही कहा कि मुझे मुस्लिमों से कोई विरोध नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम के बच्चे भी इंजीनियर बने, मुस्लिम के बच्चे भी डॉक्टर बने, मुस्लिम के बच्चे भी शिक्षक बने, लेकिन एक खास जमात, एक खास वर्ग नहीं चाहता कि उसके ही समाज के लोग आगे बढ़ें। और इस चुनाव में इसकी भी चर्चा होने लगी है, और चर्चा बेजा नहीं है। क्या पाकुड़ के इलाके में, साहेबगंज के इलाके में सीआरपीएफ हिंदू परिवारों की सुरक्षा करेगा इस डर से कि यदि यहां से हम हटे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इस भय से कि यदि यहां से हम गए तो कोई परिवार की जान जा सकता है? क्या यह जायज माना जाएगा? यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो स्थिति है झारखंड में जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे घुसपैठिए राज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही आ गए, लेकिन सत्ता पर जो बैठता है उससे सवाल पूछा जाता है। यदि देश में कोई घटना हो रही है तो सवाल कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया। यही सवाल यहां पूछा जा रहा है जी। कि और देखिए आश्चर्यजनक, और देखिए इसका इंतहा कि राज के डीसी ने कहा कि सर, माननीय हाईकोर्ट में कहा कि सर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है जी, ये कैसे संभव है? मैं तो बिल्कुल नहीं सुन, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जी कि आप ज्यादा दूर मत चले जाइए, राजधानी रांची में जितने अपार्टमेंट बन रहे हैं उसकी एक सूची बनवा लीजिए, और वहां पर जो मकानों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है जी, उसका नाम ले लीजिए और उससे पूछिए भैया आप कहां के हो। 100 में से 70 मजदूर आपको बांग्लादेश का मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यहीं आके रह गए, हो सकता है वो चले जाएं। और ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है, जब नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा में कहा कि लगभग 3.25 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं जो देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, उसमें कई अन्य राज्य भी होंगे। कई ऐसे हैं जो वैध वीजा के साथ भारत आए, लेकिन उनको यहां की आबो हवा इतनी अच्छी लगने लगी कि अपने ही लोगों को, किसी को फूफा बना लिया, किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति मेरे मौसा जी हैं, कोई कहा कि चाचा जी हैं, अब वो रहना शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ, और एक मैं और बात की, एक और मैं चर्चा छेड़ दे रहा हूं आपके साथ, इस देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे कि हिंदू में तो आप जाति देखिए,
कि कौन श्रीवास्तव जी है, कौन कायस्थ है, कौन वैश्य है, कौन भूमिहार है, कौन ब्राह्मण है, कोई दलित है, कौन ओबीसी है, कौन कुर्मी है, कौन महादलित है। लेकिन मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके बारे में सिर्फ आप धर्म कि मुस्लिम है, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना मैं करवा देता हूं देश में, लेकिन अंसारी की भी जात गिनी जाएगी, सैयद की भी गिनी जाएगी, साथ ही अख्तर की भी गिनी जाएगी और पसमांदा की भी गिनी जाएगी। पसमांदा की भी गिनी जाएगी। आप ये मत सोचिए कि हिंदू जाति में बट जाए और मुस्लिमों को कहे भाई आप धर्म के नाम पे, इसी बात को लेकर जीत है। हिमंता बिस्व शर्मा को मैं बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं, कम से कम एक व्यक्ति हिम्मत तो कर रहा है ऐसा बोलने का, नहीं तो सब कुछ जान रहे हैं कि पीड़ा टिस देने वाली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी और। अजय लाल, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि ये पीड़ा सत्ता पक्ष को क्यों नहीं होता है? पाकुड़ के बता दे आपको कि आलमगीर आलम पाकुड़ से ही आते हैं ना, पहले मंत्री रह चुके हैं वहां के, विधायक हैं भी, उनको क्यों नहीं पीड़ा हो रहा है कि उनके यहाँ इस तरीके की चीजें हो रही थी? सत्ता पक्ष को क्यों नहीं पीड़ा हो रहा है कि उनकी सरकार में इस तरीके की चीजें हो रही हैं? उन्हीं के सरकार में हिंदू असुरक्षित महसूस करता है, ये पीड़ा सत्ता पक्ष को क्यों नहीं होती है? बीजेपी के नेता कोई पीड़ा हो रहा है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। पीड़ा इसलिए नहीं हो रही है कि एक ऐसा जमात जिनको लोगों ने वोट बैंक समझा है, यह मानकर चलते हैं कि मुस्लिम समाज है तो उसका वोट मुझे ही मिलेगा, और कई बार खौफ दिखाकर कि मोदी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो आपको कहीं और भागना पड़ेगा। 15वें साल में नरेंद्र मोदी प्रवेश कर चुके हैं, कितने मुस्लिम गए हैं इस देश से बाहर, सबका देश है, सबको रहने का यहां अधिकार है, लेकिन कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहां आ जाए और ये कहे कि मैं झारखंडी हूं, कोई ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और ये कोई शेर भी पढ़ दे कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी ही है, ऐसा नहीं चलेगा। आप इस देश के हिंदू जितने इस देश के हैं, मुस्लिम भी इस देश का उतना ही प्यारा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप वकालत मत कीजिए, इसी बात का जिक्र हो रहा है, इसी बात का जिक्र हिमंता बिस्व शर्मा भी अपनी सभा में कह रहे हैं कि एकजुट रहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू एकजुट रहे, उनकी 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 यदि भाषा यदि आप समझेंगे, एकजुट रहिए। और मैं बता दे रहा हूं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं इस देश में, इस राज्य में जी, ये अपनों के लिए काल साबित होने वाले हैं, जिनको सहारे, जिनके सहारे ये लोग अगल बगल आस पास में रह रहे हैं, उनके अपने ही नहीं होंगे। हालांकि मैं बधाई देना चाहूंगा, कई ऐसे इलाके हैं साहिबगंज में, कई ऐसे जगह हैं जहां पर मुस्लिम जमात के लोग ने अपनी सुरक्षा खुद शुरू कर दी है, और ऐसे लोग पहचान रहे कि ये बांग्लादेश से आए, इनसे सतर्क रहो। ऐसे लोग बजावता प्रशासन को जाकर सूचना भी दे रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है या हम लोगों के जमात का नहीं है, इसी बात का जिक्र हुआ। हिमंता बिस्व शर्मा ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम भाग जाए या फिर कहीं और चला जाए, वो कह रहे हैं कि एकजुट रहिए, बटोगे तो कटोगे। अब कौन बटना चाहता है इस देश में? कोई नहीं बटना चाहता, सबको एक साथ। मामला यह है कि जब राजनीति वोट बैंक से जुड़ जाए जी, आप पश्चिम बंगाल की कहानी आप देख लीजिए, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ यहां ऐसा होता रहता है। आपको याद होगा कि वहां पर एक कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जी, जिसमें बिहार के एक युवक से इसलिए नाम जाति पूछकर पीटा गया कि तुम यहां परीक्षा देने क्यों आए, और पीटने वाला कौन था मैं नाम नहीं लूंगा, चर्चा नहीं करूंगा, राज्य की जनता जानती है। कम से कम हिमंता बिस्व शर्मा की आलोचना हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति हिम्मत तो कर रहा बोलने का, नहीं तो सब लोगों को ये लगता है कि भाई मीठा मीठा गप गप, अब कड़वा कड़वा थू थू। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मुस्लिम जमात का व्यक्ति इस देश की राजनीति का ये हश्र देखिए, मोहम्मद शहनवाज झारखंड भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माने जाते हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, नागरिक उड्डयन मंत्री, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं
कौन नहीं जानता कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी स्थापना काल से सिकंदर वक्त, यदि लाल की सारवानी का नाम कहीं जिक्र होता था तो सिकंदर वक्त के भी नाम की चर्चा होती थी। उस व्यक्ति ने भाजपा को सींचा, उस व्यक्ति ने भाजपा को भारतीय जनता पार्टी बनाया कि आज भारतीय जनता पार्टी 15वें साल में केंद्र की सत्ता में है। सिकंदर वक्त इस देश के बेटा थे, इस देश के पुत्र थे, मुस्लिम समाज से संबंध रखते थे, दुर्गा पूजा में भी जाते थे, नवाज भी पढ़ते थे, ईद भी मनाते थे, ऐसे मुस्लिम। लेकिन आप का एक वर्ग दुर्गा पूजा का विरोध करे, ये कैसे संभव है? इसी बात की वो चर्चा कर रहे थे हिमंता बिस्वा। बिल्कुल, काफी मुखर होकर के अपनी बातों को रखा है अजय लाल हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और जब भी सभा करते हैं अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखते हैं, और असम की हालात को देखते हुए वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वो हालत झारखंड में ना हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि अगर झारखंड को बचाना है तो हिंदू को बचाना होगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदू रहेगा तो ही झारखंड रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।